दोस्तों मैं इस वक्त हिंगोली खा रहा हूँ, मेरे कुत्ते की रिएक्शन देख गया। थोड़ी छोड़ी ले आया, ले 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 आजा। तो दोस्तों मैंने ये स्पार्क्स के शूज़ लिए हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि वाइड शूज़ को मतलब मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल रहता है। नहीं तो आप लोग बताओ, क्या वाइड शूज़ को मेंटेन करना इतना मुश्किल है? अभी थोड़ा सा जो है ये अंदर से गंदा हो रखा है, बाकी पूरा आप देख रहे हैं। अगर आप बोलेंगे कि इन शूज़ को मेंटेन कैसे करें, मतलब इतना वाइड कैसे रखना है, ये मैंने दिवाली के आसपास लिया था, नवंबर के आसपास। और बाकी नज़ारा कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइए। और शाम का टाइम हो रहा है, ये मेरे प्लांट्स हैं, आपको लग रहा होगा ये गमले बहुत भारी होंगे, ऐसा नहीं है। ये गमला देखो कैसा है, भारी तो क्या है क्योंकि पौधे का वज़न भी ज़्यादा है, बट इतना है इस गमले का वेट, आप देख सकते हैं एक हाथ से आराम से। जब आंधी आती है तो ये गिर जाते हैं, ये पलट जाते हैं इस तरह से। तो कैसा लग रहा है दोस्तों? ऐसा लग रहा है हम जंगल के अंदर आ गए। चंपा का पौधा है, जिन्हें प्लांट्स पसंद है ना पता ही होगा। ए क्या देख रहा है नीचे?